कि भैया आप लोग सडनली सबसे पहले कोलकाता क्यों आ गए और हम लोग कोलकाता शिफ्ट होने वाले हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस स्पेशल में। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी चल रहा है हम लोग का टी टाइम। धूल आ जाओ क्या हम लोग से, कोई बात नहीं, तो रखो तो चेहरा भी ले और ले लीजिए मम्मी। तो गाइस सब कोई मस्त चाय वाय पी रहा है, मुंटी हमारी कैमरामैन बनी हुई है। मैं तो मिक्सचर खा रहा हूं, बहुत तीखा है, मजा आ रहा है खाने में मिक्सचर। भाई सुबह का 9:30 बज रहा है और ये इधर तो गाइस यहां से थोड़ा लेट मतलब गुड मॉर्निंग होता है क्योंकि सोते भी है तो 2 बजे 1 बजे, तो इसीलिए रात में डिनर करते हैं 12 बजे। नहीं 11:30 बजे कल खाना पहले किया था। नहीं तो घूम के ही आते, हम लोग जनरली रहते ही नहीं, आते हैं घूम घाम के इधर से उधर से। ये मेरा वाला था, मेरे वाला खा रही थी। तो मिक्सचर भी खाएंगे, मिक्सचर भी खाएंगे, ब्रेड भी खाएंगे, बिस्कुट भी खाएंगे, सब खाएंगे। ससुराल का धन है, खाते रहिए। हे गाइस, तो मस्त चाय वाय पी लिए हम लोग और तितली भी हमारी आ गई, कर दो तो थोड़ा गुस्सा हो जाओ। वाह वाह वाह, तितली आजकल कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिए बहुत ज्यादा। आ जाओ इधर, आ जाओ ना, आ जाओ। तो बाकी गाइस अभी सुबह के बज रहे 9:30। आपको पता मैं आज सुबह सुबह ही उठ के नहा लिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा गर्मी लग रही थी। एक तो मैं कंबल ओढ़ के सो गया था और ये एसी बंद कर दी थी निशा तितली के कारण। हाँ बेटा पानी पीना है, है? पानी पीना है, चलो दो 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 इसको, पहले पानी पिला दो फिर करता हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। फाइनली हो गए हम लोग फ्री और बहुत सारे सबसे पहले लोगों का तो कमेंट्स था कि भैया आप लोग सडनली सबसे पहले कोलकाता क्यों आ गए और क्या कुछ रीज़न था। बाकी मैंने चलते वक्त बताया था कि कुछ सरप्राइजेज हैं जो आप लोगों से शेयर करूँगा एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी चीज़ें शेयर करने के पहले ही मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि एक और भी कमेंट्स था कि क्या हम लोग कोलकाता शिफ्ट होने वाले हैं बिहार छोड़ के। तो बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, घर किसी से थोड़ी छूटता है। तो अभी हम लोग आए हुए थे, कुछ काम वगैरह है। काम क्या है कि 2-3 काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग आए थे कि एक हमारा सूट था, क्या जी, एक हमारा सूट है और वो सूट का हम लोग सोचे थे कि लोकेशन कोलकाता रहेगा, बट अभी वो सूट का लोकेशन चेंज हो चुका है और वो हो चुका है कहाँ जी, बता दीजिए कहाँ हो गया। वो हो चुका है पहाड़ों पे, अब वो पहाड़ों पे हो चुका है, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में पहाड़ जो है वो भाई दार्जिलिंग की तरफ ही है। तो इसीलिए हम लोग अभी बहुत जल्दी क्या, हम लोग कल हो सकता है कि दार्जिलिंग के लिए भी निकलेंगे। अभी टिकट्स वगैरह जाके देखने जा रहे हैं, कट करेंगे और निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। तो सूट था हमारा, तो जो सूट करने वाले थे वो लोग तो कोलकाता आने ही वाले थे, बट अभी क्या हुआ कि हमने थोड़ा बहुत प्लान को चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही जब से हम आए हुए हैं कि हमने सोचा कि यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है नहीं। फिर उन्होंने बोला कि चलिए कहीं बाहर चलते हैं, तो बाहर चलते हैं। और हम लोग अभी कोलकाता में पहुँच गए थे तो हमें लगा कि सबसे नज़दीक हमारे कोलकाता से तो वो खूबसूरत जगह दार्जिलिंग ही है जहाँ पे हम शूट वगैरह कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने प्रेफर किया कि चलो दार्जिलिंग चलते हैं। तो दार्जिलिंग में होने वाला है हमारा ज़बरदस्त वाला शूट और इसी के लिए हम लोग, मैं और निशा यहाँ पे कोलकाता, मतलब कोलकाता आए थे किसी और पर्पज़ से, बट अब दार्जिलिंग होने वाला है हमारा शूट तो जाएंगे दार्जिलिंग। और फिर निशा के मम्मी पापा बोल रहे थे, वो लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि चलो सब कोई साथ में चलते हैं घूमने के लिए जब भी। फिर मम्मी पापा को भी वो बोल रहे थे कि वो लोग भी रहता तो बहुत मज़ा आता, बट अभी क्या है कि उधर स्कूल है तो फिर या तो कहीं पापा जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा या मैं जाऊंगा तो पापा नहीं जाएंगे क्योंकि किसी न किसी एक को स्कूल में रहना पड़ता है। तो अभी पापा उधर है, वो लोग आएंगे, मतलब हम लोग घर जाएंगे तब शायद अगर पॉसिबल होगा तो वो लोग आएंगे घूमने के लिए, जैसा कि मेरे फादर इन लॉ और माता जी बता रही थी। बट अभी क्या है, पता नहीं क्यों मेरे नाक में बरसात होती है, बाबू खुजली जैसा होने लगता है, थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब सा आने लगता है, पता नहीं इसका कुछ अगर इलाज हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट ऐसे ऐसे करता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ना कि शायद बारिश का पानी वानी से मैं नहा लेता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा कुछ कुछ हो जाता है। तुमको भी होता है क्या, तुम इतने शांत क्यों बैठे, पता है गाइस माइकी का असली सुख
भाई साहब मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब सच में मजा आता है ना मायके में लड़कियों, क्यों मजा आता है? कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, मज़े से खाना है, बत्ती बुझाना है, सो जाना है। मतलब बच्चे को भी छोड़ देती है कि भाई चलो यार नानी देख रही है, कर रही है, होता है यार सबका नानी घर मतलब खास होता है, और नाना नानी जी अगर है ना नानी घर में मस्ती कर रही है आके, वो अलग ही लेवल पे उसका मस्ती चल रहा है, वो बारिश में भींग रही है। आप घर पे कभी बारिश में नहीं भींगी आज तक? नहीं अभी तक, कितना ही बारिश, एक बार बस पापा हल्का फुल्का उसको तब से उसको लत लगा है, जब भी देखते बारिश तो मम्मी हू हू मतलब ऐसे उसके हाथ से टच करवाए थे बारिश का, तब से वो देखती है तो उसको जैसे कि जान आता है, यहाँ आके तो पूरा पूरा दो दो दिन बारिश में नहाया हूँ तो वो भी चली जाती है नहाने के लिए। तो ये वो रीज़न है कि सबसे पहले हमारा सूट है, और बाकी और भी जो सरप्राइजेज हैं वो आपको हम लोग आगे चल के धीरे धीरे बताते रहेंगे। बट अभी हम लोग दार्जिलिंग जाने वाले, और जो भी दार्जिलिंग से हो कृपया मुझे मैसेज कर देंगे, अगर मे बी हो सकता है कि हम लोग मिल लें, या फिर किसी को कुछ आइडिया लेना हो, मुझे आइडिया देना हो, सॉरी लेना क्या, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, निशा गई हुई है दार्जिलिंग की तरफ, मैं कभी नहीं गया तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड भी हम लोग, और बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी होगी, शॉपिंग भी करनी होगी वहाँ जाने के लिए भी, क्योंकि सडनली हमारा प्लान था यहाँ का, और यहाँ से प्लान अब एक्सटेंड हो चुका है दार्जिलिंग की तरफ, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग बने रहिए, और इस तरह की कॉमेंट्स ना कीजिए कि हाँ मतलब हम लोग घर जाएंगे भाई, अभी घूम के आएंगे, दो तीन दिन रुकेंगे और फिर चले जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि घर में भी आप सभी को पता है कि मेरे भाई की शादी है, और शादी का डेट हम लोग एक दो दिन में वो भी रिवील कर देंगे, बता देंगे आपको कि कब है शादी। बहुत सारे क्रिएटर्स भी आएंगे, बहुत कोई आएगा, और मज़ा तो आएगा ही आएगा शादी में, शादी का ब्लॉग तो आपको पता है कितना खास होता है, तो उसकी शॉपिंग की तैयारियाँ भी शुरू हो जाएगी, और पहले इसलिए होगी क्योंकि क्या होता है गाइस अक्टूबर में, अभी तो वो दशहरा है, दिवाली है, छठ पूजा है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग, तो फिर तीज भी आने वाले हैं, तीज का भी कुछ नहीं किया। तीज कितने तारीख को है? तीज भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही आए थे। आए बाबा, तो फिर तीज, हाँ तीज मतलब हमारा ऑलमोस्ट, अगर अक्टूबर में तो कह सकते हैं कि अक्टूबर में तो हम लोग, अगर नवंबर में शादी होगी तो अक्टूबर में तो हम लोग कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गाइस इतना सारा हम लोग का घर का ही फेस्टिवल रहता है, आपको पता है कि हमारा जो पूजा पाठ दुर्गा पूजा से जो शुरू होता है, तो छठ तक तो भाई राहत ही नहीं किसी को भी, तो इसीलिए हमें लगता है कि धीरे धीरे शॉपिंग से लेकर हर वो चीज़ धीरे धीरे सितंबर में ही स्टार्ट होगी, तो सितंबर बहुत ही हेटिक भी होने वाला है, और उसमें मनीषा का बर्थडे भी है। तभी मेरे को एक दिन बात हुआ, तो बोले जीजू, हम बोले कहाँ हो जी, तो कह रही थी कि 10 सितंबर को पार्टी होगा, मैंने बोला हाँ बिल्कुल कहाँ पार्टी करोगी। तभी देखो जैसा होगा आपको बताएंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कैसे क्या करना है। बाकी हाँ यही चीज़ बताना था आप लोग को कि हम लोग सूट के लिए आए थे, और हमारा अब सब कुछ पोस्टपोन, मतलब यहाँ से पोस्टपोन हो चुका है कोलकाता से, अब वो सीधा एक्सटेंड हो चुका है दार्जिलिंग की तरफ, और वहाँ पर फिर थोड़ा सा अभी वेदर कैसा है ये सब चीज़ का जानकारी थोड़ा बहुत तो चाहिए, तो चलो गूगल तो ही, बट वहाँ का अगर कोई हो तो ज़्यादा अच्छे से मतलब चीज़ें बता सकता है, तो अगर कोई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैसेज कर दे हमें इंस्टाग्राम पे भी। बाकी अब तैयारी करनी पड़ेगी, तो चलिए आप लोग बने रहिए और हम लोग भी तैयारी में लगते हैं। बाकी आई होप ये प्यारा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ये बस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, ब्लॉग तो नहीं कर सकते कि सब इंफॉर्मेशन आप लोग को दे दिए, एंड कुछ इंफॉर्मेशन हमें भी लेना है उसके बारे में, आप लोग बता दीजिए, और क्योंकि कुछ ऐसे रीज़न भी हो गए थे ना, क्योंकि हम लोग पहले से कुछ बता भी नहीं पाए, क्योंकि एक तो 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त में आदमी बिजी था, और फिर 16 अगस्त को हम लोग निकल ही गए घर से, 16 को निकले ना, 17 को निकले, 16 को बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे, तबीयत भी खराब हो गई थी, रात में निकलने वाले थे, हाँ बट ट्रेन हमारी 12 घंटे लेट हो गई, 14 घंटे लेट हो गई। तो चलिए कोई नहीं, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।